सीकर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां गुरुवार कुछ बदमाशों ने आर्मी की तैयारी कर रहे युवक पर एसिड अटैक कर दिया। हमले के बाद युवक चिल्लाते हुए घर की तरफ दौड़ा। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के SMS हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। घटना जिले के श्री माधोपुर इलाके में सुबह 4:50 की है। पुजारी बास निवासी विकास 19 वर्ष पुत्र दीपचंद शर्मा आर्मी की तैयारी कर रहा था। सुबह वह साइकिल लेकर जयरामपुरा के लिए निकला था। घर से करीब 100 मीटर आगे ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीठ पर तेजाब फेंक दिया। विकास ने बताया कि अचानक हुई इस घटना को नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे लगा कि किसी ने गर्म पानी फेंका है, लेकिन थोड़ी देर बाद जलन होने लगी। साइकिल दौड़ाता चिल्लाता हुआ घर पहुंचा, लाइट में जाकर देखा तो सारे कपड़े चले हुए थे और कमर झुलस चुकी थी। घटना के बाद परिवार जन विकास को श्री माधोपुर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। MS हॉस्पिटल के डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि युवक की पीठ 40% तक झुलस गई है। हालांकि बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन का खतरा बाद में बढ़ जाता है, इसलिए घायल को जयपुर रेफर किया गया है। मामले की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। युवक के बयान लेकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बदमाशों का कोई पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि युवक शुक्रवार को BSF में जैसलमेर दौड़ करने के लिए भी जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसके साथ यह घटना हो गई। DSP सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले को लेकर परिजनों की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। कार्यवाही के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। विकास के पिता दीपचंद शर्मा श्री माधोपुर अनाज मंडी में अनाज व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा छोटा बेटा विशाल भी सेना की तैयारी कर रहा है। वहीं पुलिस ने शुरुआती जाँच में बताया कि परिवार से किसी रंजिश व लड़ाई झगड़े की कोई बात सामने नहीं आई है। सुबह जयरामपुरा दौड़ लगाने के लिए जा रहा था, घर के पास से रोड के पास की घटना है। यार CSC मिला है तो इलाज भी नहीं देखे, घर वालों ने सबसे FIR लिए, अलग अलग 3-4 दिन किए, लेकिन इलाज नहीं।